नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आप सभी जान रहे हैं कि हम शिक्षक वर्ग दो की तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विजय व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि विजय व्यंजक क्या होता है और विजय व्यंजक में कौन कौन सी संक्रियाएँ होती हैं। इसमें हम प्रमुख रूप से विजय व्यंजकों का योग किस प्रकार से करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं, गुणा एवं भाग कैसे करते हैं, इनके बारे में जो है सीखेंगे। तो सभी जुड़ जाइएगा। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि विजय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, विजय व्यंजक आप सभी जानते होंगे कि यदि हम गणित में, है ना, नॉर्मल यदि हम संख्याओं का उपयोग करके उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, है ना भाई, नॉर्मल संख्याएं जैसे एक है, दो है, तीन है ना, इन सभी संख्याओं के यदि हम इनका जोड़ जोड़ करते हैं, यानी योग करते हैं, व्यवकलन करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो इनको हम कह देते हैं अंकगणित। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, अंकगणित कहते हैं। मतलब अंकगणित में ये सारी की सारी संक्रियाएं हम करते हैं। लेकिन यदि हम इन संख्याओं में, है ना, अल्फाबेट ए बी सी या एक्स वाई जेड, यदि इनको भी हम शामिल कर लें, है ना, यदि हम इनको भी अंक अक्षर को भी हम यदि हम शामिल कर लें, तो उसको हम विजय व्यंजक कहते हैं, है ना। उनसे जो संक्रियाएं होती है, उनसे जो समीकरण बनते हैं, उन सभी समीकरणों को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्योंकि इसमें अल्फाबेट का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको विजय व्यंजक जो है कह देते हैं, है ना। अब आइए जानते हैं कि इनका योग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, विजय व्यंजकों का योग या व्यवकलन या गुणा भाग जो है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक, जैसे 2x² + x² ठीक है -1, ये जैसे हम एक मान लेते हैं। ठीक है, ये एक व्यंजक हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा व्यंजक जैसे ले लेते हैं 3x² - 4x + 2। ठीक है, तो जब हम इसको योग करते हैं, यानी बीच में प्लस लगा देते हैं, है ना, तो योग करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो x² की गुणांक है यानी 2, ठीक है, ये x रहेगा, और जो x की गुणांक है यानी 1, ठीक है, तो इसका x² हमेशा इसके x² के गुणांक के साथ ही जुड़ेगा, और एक्स का जो गुणांक रहेगा वो एक्स के गुणांक के साथ जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, और जो संख्याएं रहेंगी वो संख्याओं के साथ जुड़ेंगे या घटेंगे। तो इस तरीके से विजय व्यंजक का योग और व्यवकलन होता है। मतलब एक्स वर्ग का गुणांक एक्स वर्ग के साथ, केवल एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के साथ, इस तरीके से जो है क्या होते हैं, आपस में ये सभी जुड़ते हुए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं अपन इस पर आधारित कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, आपके इस स्क्रीन में क्वेश्चन नज़र आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 9x² + 15x - 1 और x² - x - 1 के गुणांकों में यदि x³, x² और x के गुणांकों को क्रमशः ए बी सी के रूप में हम दर्शाएं, तो a+b - c का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सरल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा जो व्यंजक दिया हुआ है, 9x² + 15 - x। ठीक है, ये हमारा पहला गुणांक दिया हुआ है। दूसरा हमारा दिया हुआ है x² - x - 1। ठीक है, दोनों को क्या करना है, यहाँ पे गुणनफल में बोला है, इसलिए दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में सभी को जो है गुणा किया जाता है। मतलब 9x का पहले हम इस तीनों के साथ करेंगे, उसके बाद 15 का इन तीनों के साथ, उसके बाद -x का भी इन तीनों के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9x² का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x³ - 9x³ - 9x² फिर 15 का करेंगे तो +15
एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कौन सा बच गया हमारा, x बच गया, 15 आ जाएगा, सॉरी इसको 15 लिख लीजिएगा, 15 का हम जो है गुणा कर रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 15x² माइनस 15x और माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बच गया हमारा माइनस एक्स, माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स का घात 3 माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस का प्लस एक्स, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, जो भी इनके गुणांक होंगे उनको आपस में जोड़ देंगे, या जैसे घट रहे होंगे तो उसको घटा देंगे, तो 9x का 4 तो एक ही है, तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये 9x का घात 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एक x का घात 3 है, तो 9 और एक 10 हो जाएगा, तो 10x का घात कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस 9x² है, ठीक है, और यहाँ पे 15x² है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो 15 और एक 16 हो जाएगा, और 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वेयर, क्योंकि 15 और ये एक्स स्क्वायर जो है बड़े हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 15x और यहाँ से प्लस एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, उसके बाद माइनस 15 हो जाएगा, देख लीजिए, है ना, सारे के सारे हमारे क्लियर हो गए। अब यहाँ से इस तरीके से इसका गुणांक हमारा आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स का घात 3, एक्स का घात 2 और एक्स के गुणांक को क्रमशः ए बी सी के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ से देख लीजिए एक्स का घात 3 का गुणांक क्या है, तो -10 है, और इसको किससे दर्शाया गया है, तो ए बी सी से, तो ए का मान हमारा कितना हो गया, -10 हो गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को बी से दर्शाया गया है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से सी बराबर क्या हो जाएगा, सी को जो है एक्स के गुणांक के दर्शाया गया है, तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, है ना, ये देख लीजिए। तो अब यहाँ से हमको क्या बताना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा, है ना भाई, इसका वैल्यू हमको निकालनी है। तो a का मान -10, ठीक है, b का मान क्या है, 7 है, तो प्लस 7 हो जाएगा, माइनस c का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे तो -10 प्लस 14 और 7 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया निकल करके, 11, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है बन रहा है आपका, 11 आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ गया। पहले क्या किए, अपन मल्टीप्लाई किए दोनों व्यंजकों का, उसके बाद गुणांक को ए बी सी माना गया है, और संक्रिया पूछी है कि ए प्लस बी माइनस सी जो है क्या होगी, तो गुणांकों को सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो पूछा गया है उसको अपन बना देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 माइनस 3x प्लस 2x² में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करनी है, दोनों को गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 3x प्लस 2x का घात 2। सबसे पहले तो गुणनखल बोला है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स का घात 3, उसके बाद प्लस 2x का घात 4। अब माइनस 2 का पूरे के साथ करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 दोने 6x माइनस 2 दोने 4x का घात 2, तो एक्स का घात 4 है, तो इसको जो कहते हैं लिख लीजिए, माइनस 3x का घात 3 है, तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए 4x का घात 2 है और यहाँ पे 1x का घात 2 है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x का घात 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 6x और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन जो है प्राप्त हो गया। अब इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 6x का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों का योगफल पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 6 में 3 घटाएंगे तो कितना मिल गया मेरा, 3 आ गया, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका,
बी ऑप्शन जो है आ रहा है, ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री तीसरा देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, जब एक्स बराबर 1/9, वाई बराबर -3/4, तो व्यंजक 81x² + 16y² - 72xy का मान ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ से एक्स बराबर जो है 1/9 और वाई बराबर -3/4 रखनी है। तो हमारा समीकरण दिया है 81x² + 16y² - 72xy। अब यहाँ से अपने को एक्स बराबर 1/9 रखना है, तो ये हो जाएगा 81, और 1/9 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी 1/9 का स्क्वायर, प्लस 16 × y², वाई यानी 3/4, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -72 × xy यानी 1/9 × 3/4, वो भी माइनस में, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया ये, अब इसको अपन सरल कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा 81, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 81 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 16 × 3 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 72 × 3/9 = 36, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच गया, प्लस 16 और 16 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 बच गया, प्लस यहाँ से 36 दूनी क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15 और 1 = 16। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन जो है सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं व्यंजक के फॉर्म में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखिए क्या बोला गया है, 2 + 7x + 7x² + 2x³ को 1 + 2x से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे व्यंजक को जो है भाग देनी है। तो सबको पता होगा आप लोगों को कैसे भाग देते हैं, इस तरीके से जो है लिखा जाता है ना, ऐसे। अब यहाँ से अपन व्यंजक को लिख लेंगे, 2 + 7x + 7x² + 2x³, ठीक है, 1 + 2x से जो है भाग देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया है, तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4x। अब इसको घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3x जो है बचेगा। अब यहाँ से +7x² जो है यहाँ पे उतर जाएगा, ये वाला नीचे उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लाना है अपने को, तो यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे अपन, +3x का जो है गुणा कर देंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 6x² = 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये कैंसिल हुआ था वैसे ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 में 6 घटाएंगे तो x² बचेगा। अब यहाँ से +2x³ और उतर जाएगा, +2x³। अब देखिए इसको हमको क्या बनाना है, x² + 2x³ बनाना है, तो क्या करेंगे, x² का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये x² + 2x³, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे कट जाएंगे, तो हमारा ये वाला जो मिल गया ये क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया, ठीक है। और शेषफल पूछा था, शेषफल कुछ नहीं आया है हमारा, है ना, कुछ नहीं आया है शेषफल, तो क्या आया है यहाँ पे, 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भागफल हो जाएगा x² + 3x + 2, और शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, तो बी ऑप्शन आपका, एक मिनट, x² + 3x + 2 हमको क्या बोला है, भागफल हुआ शेषफल बोला है। तो शुरू में भागफल ये वाला है और ये हमारा शेषफल है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा आएगा आपका, सी आंसर जो है सही आएगा, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से अपन जो है बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। एक्स 8x3 माइनस 6x2 प्लस 10x+3 को 4x+1 से भाग देने पर भागफल जो है हमारा कितना मिलता है, 2x2+k मिलता है, जहाँ पर k बराबर है। अच्छा, k की वैल्यू जो है हमको बतानी है ना भाई। भाग देने पर इतना मिलता है तो हमको k की वैल्यू जो है निकालनी है, बहुत ही सरल है ना। चलिए तो सबसे पहले तो अपने को भाग दे देनी है, तो वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे, 4x+1, ठीक है। यहाँ से इसको भाग कर दीजिए, हमारा समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है, 8x3 माइनस 6x2 प्लस 10x+3, इस तरीके से हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 8x3 हमको लाना है, तो 4 में क्या गुणा करेंगे, तो 2x² का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2×4 8x3 माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x2, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस का माइनस हो जाता है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 6 माइनस 2x² है ना, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8x² और वो भी किस में रहेगा, माइनस में, फिर प्लस 10 जो है ये उतर जाएगा। अब अपने को क्या करना है, 4x+1 को -8x² बनाना है ना, तो किस में किसका गुणा कर देंगे, माइनस 2x का जो है गुणा कर देंगे, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, ये 8x² हो जाएगा माइनस में, है ना भाई, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे ये 10x उतरा था, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, अब ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ से फिर उतर जाएगा जो बच गया है हमारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 4x में किसका गुणा करेंगे, तो +3 का यदि गुणा करते हैं तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब देखो पूरा जो है ये कट गया। अब यहाँ से फिर बोला है कि भाग देने पर भागफल 2x² + k बचता है ना भाई, मतलब ये जो हमारा भागफल आया है 2x² माइनस 2x+3, ठीक है, और ये यहाँ पे बोला गया है कि ये कितना होता है, इसका भागफल 2x² + k होता है। अब यदि इन दोनों का मैं तुलना करूँ, ठीक है, तो 2x² तो दोनों में है लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है, और यही किसका मान होगा, k का मान होगा, मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -2x+3, ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 2x, देख लीजिए कौन सा आ रहा है हमारा, 3 माइनस 2x आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे अपन, बहुत ही सरल है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर। देखो भाई, यदि व्यंजक इसको x+1 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल हमको निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस भाग दे देनी है आपको, लास्ट में जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और बन जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी हमारा हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या बोला गया है, बहुपद y³ + y² + 2y + 3 को y+2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा, है ना भाई। अब देखो इसमें भी शेषफल हमको पूछा गया है ना, इसमें भी हमको पूछा गया है शेषफल, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, भाग करके निकाल सकते हैं, है ना भाई, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, भाग करके शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक शॉर्ट मेथड भी मैं बता देता हूँ, है ना, इसका एक शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड देखो यहाँ पे क्या बोला है, बहुपद इतना दिया है ना, y+2 से भाग करें, मतलब y+2 से हमको भाग करना है,
तो मान लेते हैं कि y प्लस दो का मान हमारा जीरो आता है, तो यहाँ से यदि y का मान निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। अब इस y के मान में इस पूरे इस जो y का मान है इसको इस पूरे व्यंजक में रख देने हैं, ठीक है। तो ये व्यंजक हमारा y घात 3 है प्लस y स्क्वेयर है प्लस 2y है और प्लस 3 दिया है। इसमें क्या करेंगे, पूरे जो y का मान यहाँ से बराबर जीरो करके अपन निकाले हैं माइनस दो, इसको जो है रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस दो पूरे घात 3 प्लस माइनस दो का घात 2 प्लस माइनस दो इंटू दो, ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस दो घात 3 करेंगे तो माइनस 8 आएगा, प्लस दो माइनस दो घात 2 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस दो दो ने 4 और प्लस 3, 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से माइनस 8 में यदि माइनस माइनस 8 में यदि 3 को घटाते हैं तो माइनस 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसे आप सॉर्ट करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सॉर्ट करके भी निकाल सकते हैं। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वन से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा मिला है ना, तो यहाँ से आप एक्स प्लस वन बराबर जीरो मान लीजिएगा और एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस वन हो जाएगा। फिर माइनस वन को इस पूरे में रख दीजिएगा, फिर जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोला गया है, ए के किस मान के लिए व्यंजक 2x घात 3 प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3 जो है 2x-1 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है, इस तरीके से हमको बताया गया है। तो ए के वैल्यू हमको पूछा गया, देखो देखो यहाँ पे एक तो चीज हमको बताया गया है पूर्णतः विभाज्य है ना, एक शब्द हमको यहाँ पे लिखा गया है पूर्णतः विभाज्य, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य। अब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज कोई भी व्यंजक यदि पूर्णतः विभाज्य हो रही है मतलब उसका जो शेष फल है ना, पूर्णतः विभाज्य हो रही है उसका जो शेष फल है वो कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि पूरी तरीके से कट जा रही है मतलब कोई शेष नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ से शेष फल जीरो मिल गया। शेष फल वाले कंडीशन में मैंने बताया था है ना भाई, शेष फल जीरो मिल गया मतलब आप क्या करेंगे, 2x-1 बराबर जीरो लिख लीजिए। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर जो है 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस व्यंजक में रख देंगे इसको, 2x3 प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3, ये हमारा दिया हुआ है व्यंजक, इसके बराबर जीरो मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है अपने को। अब यहाँ से x की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे, 1/2 रख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2×1/2 का घात 3 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, प्लस a 1/2 का घात 2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 11x, तो 11/2 हो जाएगा ये, प्लस a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कट कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, देखिए सरल करेंगे तो यहाँ से पूरे का लघुत्तम ले लीजिए 4, अब यहाँ से हो गया 1+a प्लस ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 4a+12 बराबर 0, ठीक है, सरल कर लीजिएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से 4a और a करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 22, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 12 को जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 और 1 3 34 और 1 35 हो जाएगा, 35 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 5a बराबर हो जाएगा -35, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा, -7। देख लीजिए हमको क्या बोला था कि a के किस मान के लिए, तो a का मान हो जाएगा -7, आपका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा।
है, तो इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही सरल है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें भी बोला गया है कि एक्स का घात 4 + 1 में क्या जोड़ा जाए कि एक्स प्लस वन से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स का घात 4 + 1 में अपन क्या जोड़ दें, इसमें अपन जोड़ देते हैं के, कुछ नहीं है मतलब के जोड़ लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। पूर्णतः विभक्त मतलब शेषफल 0, तो इसके बराबर 0 ले लीजिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान -1 रखेंगे, तो -1 का घात 4 + 1 + k = 0। तो यहाँ से माइनस का घात 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + k = 0। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोला गया है कि एक्स घात 3 + 4x² + 5x + 8 में क्या घटाया जाए कि यह एक्स प्लस 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सेम टू सेम है ना भाई। तो मान लेते हैं कि एक्स का घात 3 + 4x² + 5x + 8 में क्या घटा दें अपन, के जो है घटा दें। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यह पूर्णतः विभक्त हो जाता है। किससे, एक्स प्लस 3 से पूर्णतः विभक्त। पूर्णतः विभक्त मतलब शेषफल 0। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा -3, है ना। अब इस एक्स बराबर -3 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -3 का घात 3 + 4 - 3 का घात 2 + 5 - 3 + 8 - k = 0। ठीक है, आप -3 का घात 3 करेंगे तो -27 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 4 + 3 का घात 2 करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। माइनस यहाँ से 5 3 15 + 8 - k = 0। ठीक है, तो यहाँ से k को इधर पक्ष अंदर करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से देखिए 36 और 8 जो है प्लस में है, तो जोड़ दीजिए, तो 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। -15 और 27 दोनों माइनस में है, फिर जुड़ जाएगा, तो 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 42 हो जाएगा। 44 - 42 यानी कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा के की वैल्यू 2 आ जाएगी। देख लीजिए कौन सा रहा है, आपका सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके बीजी व्यंजक में योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के प्रश्न जो है आते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सर्वसमिका के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सर्वसमिका से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जो भी जो है हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, और सबको सब्सक्राइब जो है करा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल 9 बजे ज़रूर मिलिएगा सभी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।